शरद भाई हम लोग से सीनियर लीडर हैं और शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट के मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट। हर इशू पर जातीय जनगणना हो या जो भी हो या मंडल कमीशन का सवाल रहा हो, काफ़ी संघर्ष, मतलब हम तीनों आदमी मिल गए हैं, मुलायम सिंह जी, शरद भाई सब, और अफसोस है कि अस्वस्थ हैं, अभी इलाज चल रहा है। हम लोग की शुभकामना है कि जल्दी ठीक हो जाए और सब लोग हम लोग मिल रहे हैं इनका दर्शन करने की फिर से कोशिश। वो सब अपना चल रहा है लोगों का, लोग बात कर रहे मिले थे। हाँ हम मिले थे तो कर्सी में मिले थे मुलायम सिंह, लोग बात कर रहे हैं लोग। ऐसा हो जाना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए कि कौन कौन है क्या। सर इधर सर एक सवाल, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जीतन माझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, आपको लगता है कि केंद्र में नीतीश कुमार को होना चाहिए वहां पे बिहार में किसी और को सीएम? ये तो जानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, उनका पार्टी तो बोल दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और हमारी सरकार तो बन ही गई थी जयसवी का, हम जेल में थे अकेले, वो लड़का मिल गए जो फाइट दिया इन लोगों का सब लोगों का, 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी करके सब और हरा दिया। सर क्या लालू यादव के दिल में अभी जगह है नीतीश कुमार के लिए सर, या दरवाजा? जगह क्या होता है, जगह तो बनाता है लोग, बिगड़ते रहता है, रहे हैं साथ में रहे हैं, फिर से साथ आने की कोई संभावना है? अभी हम नहीं समझते। सर एक अंतिम सवाल ये है सर, थर्ड मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है देश में? हो रहा तो अच्छा हो रहा है ना, तो होना ही नहीं चाहिए, विकल्प होना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल ये है सर कि चिराग पासवान राजनीतिक संकट से जूझ रहे, उनके पिता चिराग पासवान ही लीडर बन गया जी, चाहे जो भी हेर फेर हुआ जी, चिराग पासवान ही लीडर है, सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलवंत।